भूटान रहे कौन बात पानी की फ्री दी नी The Bhutanese cultural troupe is requested to perform their dance. आरो मोनसे फोसावनाय जेब्ला जोंनि गाहाय आलासि राष्ट्रपति बिथाङा जौसाङाव फैगोन मानसिफ्रा जोंनि बयबो गसंनानै बिथांखौ बरायनांगोन आरो आखायाव थानाय नेशनेल फ्लेगफोरखौ बयबो गोजौआव बिरहोनानै दिन्थिनो थाखाय बे समाव खावलायनाय जाबाय दानो नांथ'वा जेब्ला राष्ट्रपतिया सफैगोन जोंनि जौसाङाव बयबो फिरफिलाखौ गावबा गावनि आखाइयाव लानानै दिन्थिनो थाखाय आं खावलायबाय जोंनि भारतनि नोगोरारि जोंबो जोंनि हादरखौ मोजां मोनो बे बाथ्राखौ दिन्थि
सबसे का उत्तर हमेशा जे बोडोलैंड बोल कर दिया था। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते, ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थान आरो थाना नहीं थानो हा। देवी और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब वह उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान है लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास सभा के संस्थापक स्वर्गीय तथा महासचिव सोनाराम ने भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए पूरी शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रतियोग को